हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हर रोज़ की तरह मैं आज भी नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग लेके आई हूँ, रीडिंग टाइमलेस है गाइस। जब भी जिस भी दिन आपके सामने आ रहा है, जिन भी पर्सन को आप याद करके देखेंगे उसकी एनर्जी पिक होगा। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, यूट्यूब सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल रीडिंग के नंबर है गाइस। जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेना है मुझसे, इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, कॉल मैसेज ना करें, ओनली व्हाट्सअप करें। और पर्सनल रीडिंग पेमेंट करके बुक करनी होती है, तो डेफिनेटली आप पेमेंट करके बुक किया करें। तो चलिए देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की आज के दिन की एनर्जी कैसा है। गाइस, मैं आज दिन भर रीडिंग अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा तबीयत अच्छा नहीं है। तो जब मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा रिकवरी हो गई हूँ रीडिंग करने के लिए, तो तभी मैं आपके लिए रीडिंग बना रही हूँ। और स्पेशली नो कॉन्टैक्ट रीडिंग के लिए मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग हर रोज़ की रीडिंग के लिए वेट करते रहते हैं, तो उसके लिए मैं लेके आती हूँ। और आप लोग ज़रूर बताना कि कौन कौन जो है हर रोज़ मेरा नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग देखना पसंद करते हैं, वेट करते हैं। ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि मैम वेट करती हूँ, तो जिसकी वजह से मैं लेके आती हूँ। और मैं आज बहुत ज़ोर से बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा तबीयत इतना अच्छा नहीं है अभी भी, तो जिसकी वजह से। तो ज़रूर आप लोग बताना कि कितने सारे लोगों को हर रोज़ की नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग पसंद है। बाकी मैं आज दिन भर कोई भी रीडिंग नहीं कर पाई, शॉर्ट भी मैंने अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही मेरा तबीयत ख़राब था मॉर्निंग से लेकर अब तक। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में है। आज के दिन में मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट सिचुएशन कैसा है, मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट सिचुएशन। ओके, एक कार्ड पलट गया। ओके, बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं आपके पर्सन, काफ़ी पैशनेट भी है, बातचीत करना चाह रहे हैं, मिस कर रहे हैं, रोमांटिक जेस्चर करना चाह रहे हैं। करंट सिचुएशन कैसा है मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की, प्लीज एंजल गाइड करें। काम में बिजी है आपके पर्सन। माय गॉड, सेम कार्ड वापस आ गया, एक कार्ड आया था ना। काफी पैशनेट है आपके पर्सन, बातचीत करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है आपके प्रति, बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है उनके ऊपर। एट ऑफ सोर्स, काम की वजह से परेशान है और काम की जगह पे अटके हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर ले रहे हैं, रात दिन वो काम में ही बिजी रह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, ये जो लड़की बैठी हुई है रात को काम कर रहे हैं, और यहाँ पर भी देखिए ये काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, और यहाँ पर बार बार ड्रिंक कर रहे हैं, टी पी रहे हैं, फिर भी जो है उनका जो स्ट्रेस है ख़त्म नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी एक जो है शॉप आपको दिखाई देगा कॉफ़ी की, जहाँ पर ये लड़की काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है आपके पर्सन को, जिसमें आपके पर्सन परेशान है। बॉटम द डेक में है मैजिशियन। तो आपके पर्सन कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ आज के दिन में कुछ लोग रेस्टोरेंट जा सकते हो, खाना खाने जा सकते हो, या फिर कॉफ़ी पीने के लिए जा सकते हो बाहर, या फिर जिस टाइम पे आप रीडिंग को देख रहे हो उस टाइम पे आप कॉफ़ी ले रहे हो, चाय पी रहे हो अपने घर में, इस टाइप की भी एनर्जी है। स्नैक्स ले रहे हो, या फिर कहीं बाहर गए हुए हो, गए थे स्नैक्स के लिए, या फिर ऐसे ही कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह गए थे। ठीक है, तो इस टाइप की भी एनर्जी है। आपके पर्सन की रेस्टोरेंट है, आपके पर्सन का कोई अपना कोई शॉप है, या फिर आपका खुद का अपना कोई बिजनेस है, शॉप है। ठीक है, कुछ लोग के पर्सन किसी कंपनी में काम करते हैं, तो इस टाइप की मुझे वाइब्रेशन फील हो रहे हैं। तो जो भी हो, यहाँ पर आपके पर्सन जो है काम में बिजी है आज के दिन में, और यहाँ पर वो आपके साथ बात करना चाह रहे हैं कॉल पे। काफ़ी पैशनेट एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी फायरी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं,
काम से उनको छुटकारा मिलते ही वो आपको कॉल मैसेजेस करेंगे। ऐसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रहा है, स्पेशली जो लोग लेस कांटेक्ट में हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, यहाँ पर अगर आपने मैनिफेस्ट किया था आपके पर्सन की कॉल मैसेज, गुड लक चार्म की एनर्जी है, तो अगर आपने मैनिफेस्ट किया था तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन जो है कॉल मैसेजेस करने वाले हैं। आपका मैनिफेस्टेशन, आपका गुड लक आपके साथ है और काम कर रहा है आपका मैनिफेस्टेशन, ठीक है। इस टाइप की वाइब्रेशन है यहाँ पर, और यहाँ से भी मैजिशियन की एनर्जी है। तो जो लोग भी प्रेयर किए हैं, मैनिफेस्ट किए हैं अपनी पर्सन को, लव लाइफ को, आपके पर्सन के साथ जो भी डिलेस आ रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उसको एंड करने के लिए अगर आपने कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ किया था या फिर बहुत ज़्यादा प्रेयर किए थे, या फिर आपने इतना ज़्यादा अपनी पर्सन को याद किया पॉजिटिवली, और पॉजिटिवली आपने सोचा है कि आपके पर्सन आएंगे, पॉजिटिव माइंडसेट में रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग पर्सन वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल कार्ड को क्लैरिफाई करें इस डेक से कि ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं। किंग ऑफ सोर्स क्यों आए हैं, किंग ऑफ सोर्स कार्ड, किंग ऑफ सोर्स कार्ड क्यों आए हैं। आज के दिन में आपके पर्सन के रूट कम्युनिकेशन हो सकता है किसी के साथ। फिर से मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर देख रहे हैं आप। कुछ चीज़ों को आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी बोला कि आपके पर्सन खुद के काम को ख़त्म करके जितना जल्दी हो सके आपके तरफ आना चाह रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, डेथ कार्ड क्लैरिफाई किया है, और यहाँ पर जो लड़की है बैठी हुई है, काम कर रहे हैं, और यहाँ पर चैरियट का कार्ड जो कि ट्रैवलिंग का कार्ड है, वापस आने का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन चाह रहे हैं जो भी उनके हाथ में काम है उसको ख़त्म करके ही बस वो आपको कॉल मैसेज करे, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और स्पाई भी कर रहे हैं, नज़र भी रखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एट ऑफ वैंस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली वो आपको कॉल मैसेजेस करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, ठीक है। फोर ऑफ कप्स क्यों आए हैं, प्लीज एंजल गाइड करें मुझे। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर आपके पर्सन आपको रिजेक्ट कर रहे थे, इतने टाइम कॉल मैसेजेस उठा नहीं रहे थे, ब्लॉक कर दिया था, तो यहाँ पर अनब्लॉक करने वाले हैं, मैसेजेस का रिप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, या फिर वो कॉल बैक करने वाले हैं, आपको कॉल करने वाले हैं सामने से, अगर वो आपका कॉल नहीं उठा रहे थे, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था, काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन वापस आ रहे हैं जिनका रिसेंटली लड़ाई झगड़े हो चुके थे, रिश्ते में फाइट हो गया था, ठीक है। किंग ऑफ वैंस की एनर्जी क्यों आए हैं, किंग ऑफ वैंस, देखिए किंग ऑफ वैंस को क्वीन ऑफ वैंस ने क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। तो कुछ लोग के हस्बैंड या फिर वाइफ उनसे बात करना चाह रहे हैं, उनके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपके हस्बैंड या फिर वाइफ आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, अगर ऑलरेडी आप अपनी पर्सन से मैरिड है जिनके लिए आप देख रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं। किंग एंड क्वीन का कार्ड है, और यहाँ पर पेज ऑफ वैंस, और यहाँ पर आपके पर्सन खुद को रेडी कर लिया है आपके तरफ आने के लिए, बात करने के लिए, आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत पैशनेट एनर्जी में है, आपको देख रहे बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, चार्मिंग हो, अपनी पावर में हो, पोजिशन पर हो, ठीक है। तो इसीलिए आपके पर्सन जो है जितना जल्दी हो सके आपके तरफ आना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। गुड लक चार्म क्यों आए हैं, फाइव ऑफ वैंस, फाइव ऑफ सोर्स, ओके, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। अगर आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया था आपके पर्सन की, तो यहाँ पर आपके पर्सन वापस आने वाले हैं गाइस, ठीक है। अगर लड़ाई झगड़े हो गए थे तो रियूनियन होने के चांसेस हैं, और यहाँ पर फाइव फाइव की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े आज के दिन में हो सकते हैं आपके पर्सन की किसी के साथ, ओके। फिर से क्लैरिफाई करते हैं हम, गुड लक चार्म क्यों आए हैं, स्टैंड, यस, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होने वाले हैं पैसों को लेके, ठीक है, पैसों को लेके कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस है। थ्री ऑफ सोर्स हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी है, एट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आए हैं यहाँ पर, जिस भी सिचुएशन में अटके हुए हैं वहाँ से बाहर आना चाह रहे हैं, ठीक है, बाहर आके वो आपको प्यार का कप ऑफर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी बंधन में, जिस भी काम में, जिस भी सिचुएशन में वो अटके हुए हैं वहाँ से चोरी छुप के सही, लेकिन वो बाहर आना चाह रहे हैं और आपको एक जेस्चर करना चाह रहे हैं,
ओके, कुछ ना कुछ लीगल मैटर है उनके लाइफ में, जहां पर मुझे टावर नजर आ रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी क्यों आए हैं एंजल, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आज के दिन में? मैजिशियन की एनर्जी विक्ट्री चाहते हैं आपके पर्सन, सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनके करियर में, लव लाइफ में वो सक्सेस चाहते हैं और उसके लिए एक पावरफुल डिसीजन वो लेना चाह रहे हैं। फिलहाल वो आपको कोई छोटा सा ऑफर जेस्चर करेंगे, लेकिन उनके दिल के अंदर है कि कुछ बड़ा कुछ करे आपके तरफ, वो सक्सेसफुली आए। जहाँ पर भी ट्रैप्ड है, अटके हुए हैं, जिन भी सिचुएशन की वजह से वो आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते में। प्लीज एंजल गाइड करें नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स की तरफ। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स की तरफ। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन में पहला कार्ड आया है 8 ऑफ वैंस का, ठीक है। बहुत सारे लोगों को अनएक्सपेक्टेडली कॉल मैसेजेस रिसीव होगा, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, मैनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज। तो बहुत सारे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या फिर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो भी यहाँ पर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, रैपिडेड चेंजेस आ रहे हैं, एक के बाद एक चेंजेस आ रहे हैं, ओके। इस टाइप की भी एनर्जी है। साथ ही साथ ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, आपको पता ही होगा जो लोग मेरे रीडिंग देखते हो हर रोज़। तो डेफिनेटली कॉल मैसेजेस आने की चांसेस है। बिजनेस ट्रैवल के लिए कुछ लोग बाहर जा सकते हैं, इस टाइप की भी एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। 5 ऑफ वैंस, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड अभी अभी आया था प्रेजेंट सिचुएशन में, मतलब करंट फीलिंग्स में। तो फिर से आया है 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी। तो यहाँ पर झगड़े होने वाले आपके पर्सन के साथ, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं फिर से। हालांकि मैं इतने सारे कार्ड्स लेना नहीं चाह रही थी, तो आ ही चुके हैं, तो हमें रीडिंग करना ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ बताना चाह रहे हैं एंजल आपको, कुछ ना कुछ मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं मैरिज को लेके कोई बातचीत हो सकता है, शादी को लेके कोई बातचीत हो सकता है, और आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे, खुद के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस को फील करेंगे, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके आपके तरफ आना चाह रहे हैं। अगर पास्ट में आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो भी यहाँ पर शॉर्ट आउट कर लेंगे आपके पर्सन। आपको एक कमिटमेंट ऑफर करना चाह रहे, लॉन्ग टर्म रिश्ता ऑफर करना चाह रहे, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाली एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आइसोलेशन में रह के सोच विचार करने की एनर्जी में है। मतलब ओवरऑल जितना उनको टाइम मिलते हैं खुद के लिए, उतना टाइम वो सोचते रहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आए हैं? विश फुलफिलमेंट। अच्छा, कैसा विश फुलफिलमेंट एंजल? जस्टिस। बहुत सारे लोगों का विश फुलफिल होते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, ठीक है। कपल के बीच अगर सेपरेशन आ गया था, यहाँ पर आप कार्ड्स देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने क्लैरिफाई किया, और ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे ही आया है किंग ऑफ कप्स का एनर्जी, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफिकेशन में आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो बहुत सारे मैरिड कपल के बीच में अगर सेपरेशन झगड़ा हो गया था, ठीक है, तो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है क्लैरिफिकेशन में। तो अब लोगों का रियूनियन होने वाला है, विश फुलफिल होने वाला है। जो लोग सिंगल है, यहाँ पर मैरिज की एनर्जी है, लीगल मैरिज भी हो सकते हैं, और एक न्यू बिगिनिंग आपके तरफ आ रहा है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। हालांकि आपके पर्सन इस चीज़ को हाइड करके रखा है, छुपा के प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोग का ये जो लव लाइफ है, ये सीक्रेट लव है, ठीक है, सबको नहीं पता है, इस टाइप की एनर्जी है। और कुछ लोगों के पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ से बाहर आने की एनर्जी है, डिवोर्स लेके, इस टाइप की भी वाइब्रेशन है। यस, वो स्ट्रेंथ में आएंगे, पावर में आएंगे, और जो भी कंट्रोलिंग अदर वुमेन है, मेन है, जो भी हो, या फिर कोई डिवोर्स विडो है, जो कि थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो उस सिचुएशन से बाहर आने की एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स क्यों आए हैं?
एम्परर गुस्से से बातचीत हो सकता है, किसी बॉस के साथ लड़ाई झगड़ा फाइट हो सकता है, रिलीज की एनर्जी है, कुछ सिचुएशन को आज के दिन में आपके पर्सन एंड करेंगे। यस, जिस सिचुएशन में आपके पर्सन काफी टाइम सफर कर रहे थे, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे, सप्रेस्ड कर रहे थे, खुद की इमोशन को छुपा रहे थे, ठीक है, डिसीजन उनको लेना था, उनको पता था मुझे ये करना है, लेकिन वो टाइम ले रहे थे, तो यहाँ पर डिसीजन की एनर्जी है। डेथ कार्ड के साथ यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है विद द 3 ऑफ सोर्स कार्ड है, क्लैरिफिकेशन में 5 ऑफ सोर्स कार्ड आया है, समझ पा रहे एनर्जी को आप? तो सारे ही सोर्स कार्ड है, 5 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स विद द डेथ कार्ड एंड एम्परर कार्ड, एक पावरफुल डिसीजन टू रिलीज, कुछ सिचुएशन को एंड करना चाह रहे, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर जो भी सिचुएशन उनको तकलीफ दे रहे थे, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा रहे थे, ठीक है, ना चाहते हुए भी आपके पर्सन उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, सह रहे थे और टाइम ले रहे थे कुछ कि ठीक है चलो डिसीजन मैंने ले लिया है, लेकिन थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन रिलीज की एनर्जी है, ठीक है, कुछ सिचुएशन को एंड करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आए हैं यहाँ पर? पेज ऑफ पेंटिकल विद द सन कार्ड। ओके, काफी टाइम से अगर आपके पर्सन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आते हुए नजर आ रहे हैं नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है, यस, और जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपके पर्सन पैसों की वजह से आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, आपको कमिट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा था, तो जब उनका फाइनेंशियल सिचुएशन सही होने लगेंगे तब वो लव लाइफ के लिए खुल के एक्शन लेंगे, ठीक है, तो जो भी उनका मर्जी वो कर सकेंगे, इस टाइप की वाइब्रेशन है यहाँ पर। वाइस काउंसिलर, शादी के बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? मैजिशियन, मैनिफेस्ट कर रहे कि शादी को लेके जो भी डिले हो रहा है आप दोनों के बीच, परमानेंट यूनियन को लेके जो भी डिले हो रहा है उसको खत्म करना चाह रहे हैं, उसकी वजह से अपसेट है आपके पर्सन, ठीक है। कॉल मैसेजेस कब तक आ सकते हैं? 6 आवर्स में कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, यस, 6 आवर्स, 6 डेज के अंदर कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक के अंदर, आपको होपफुल रहना है, यही मैसेज है आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आए हैं? ओके, जितना जल्दी हो सके आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, स्पेशली अगर आप सेल्फ लव की एनर्जी में है, इंडिपेंडेंट है, खुद कमा रहे हैं, खुद की लाइफ में हैप्पी है, आपको किसी का भी परवाह नहीं है, कौन कहाँ जा रहा है, किसके लाइफ में क्या हो रहा है, आपके पर्सन बात कर रहे नहीं कर रहे, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ है, आपको उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, आप अपने एनर्जी में पॉजिटिव है। ये जो कार्ड होते हैं एक सिंगल लड़की का कार्ड होते हैं जो जो इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली एंड मेंटली, ठीक है, खुद का डिसीजन खुद लेते हैं, खुद कमाते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं। अगर ऐसी पोजीशन पर आप हैं तो बहुत ही जल्दी आपके पर्सन आपको रीच आउट करने वाले हैं, आपके तरफ आने वाले हैं, अगर मूव ऑन कर चुके हैं तो वापस आने की एनर्जी है, ठीक है, तो इसीलिए हर रोज़ और हमेशा मैं बोलती हूँ कि खुद की वाइब्रेशन को पॉजिटिव करो, अकेला जीना सीखो, ठीक है, तो ये सिर्फ बात की बात नहीं है गाइस, ये होते हैं, सच में होते हैं, इसीलिए अब लोगों को मैं हर रोज बोलती रहती हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप सुनोगे तो रिजल्ट दिखेगा, अगर रिजल्ट नहीं भी दिखते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, पॉजिटिवली ग्रो करोगे, ठीक है, कुछ बुरा नहीं होगा, ठीक है, फिर जो इंसान आपके लिए है, डिवाइन ने बनाया है, वो ज़रूर आएंगे आपके लाइफ में। गाइडेंस क्या है प्लीज एंजल गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे? द डार्क, ओके, जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हो, नेगेटिविटी में हो, रो रहे हो, परेशान हो किसी चीज़ को लेके, तो डेफिनेटली आप खुला आकाश के नीचे मैंने बैठे, ठीक है, और थोड़ा टाइम स्पेंड करें स्टार के नीचे, स्काई के नीचे, ठीक है, कूल नाइट में, थोड़ा आप जो है डार्क जो नाइट स्काई होते हैं उसके नीचे आप बैठे ताकि आप हील हो सके, ये गाइडेंस है आपके लिए। नॉर्थ स्टार, ओके, तो आप जो है मुझे आपसे नजर आ रहे ज्यादातर मेरे व्यूअर्स,
अपनी एनर्जी में आप अपसेट है, तो यहाँ पर नर्व स्टार्ट बोल रहे हैं कि आप खुद में साइन करो, ब्राइट करो, ठीक है, खुद में आप चमको स्टार की जैसा। तो आपका वाइब्रेशन हाई होना चाहिए और आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और अपने लाइफ में हैप्पी रहना चाहिए। न्यूक्लियस की तरफ से जो मैसेज है आपके लिए, द पावर विद इन स्टार इज द पावर विद इन यू। जितना पावर एक स्टार के अंदर है उतना ही पावर आपके अंदर है, तो आप सिर्फ पहचानो अपने पावर को। रिप्लेनिश द सन विल राइज एंड विल ट्राई अगेन। ओके, तो हर रोज जो है सन राइज होते हैं, हर रोज होते हैं और दूसरे दिन फिर से ट्राई करते हैं राइज होने के लिए, यही बोला जा रहा है। तो अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर रोज हर एक डार्क नाइट के बाद हर एक मॉर्निंग आता है और सन जो है हर रोज कोशिश कर रहे हैं राइज होने के लिए, हर रोज राइज हो पाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप कोशिश करोगे तो आप भी इस डार्क नाइट से जो है मॉर्निंग तक आ पाओगे, सन तक आ पाओगे, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस एंड रीडिंग, होप आपको पसंद आए हैं। और ज़रूर बताना कौन कौन सी चीज़ें पसंद आए हैं, रीडिंग कैसा लगा, कितने लोग वेट करते हो रीडिंग का, नो कॉन्टैक्ट का, ठीक है। तो डेफिनेटली बताना, क्योंकि मैं हर रोज लेके आती हूँ, अलग टॉपिक पे मैं नहीं बनाती हूँ ज़्यादा, तो नो कॉन्टैक्ट के ऊपर बनाती हूँ, क्योंकि कुछ रेगुलर व्यूअर्स है जो लोग देखते हैं, वेट भी करते हैं। तो आप लोग बताना कितने लोग वेट कर रहे हो या फिर करते हो, अगर मैं मिस कर जाती हूँ रीडिंग तो वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ताकि मैं मिस ना करूं। जैसे कि मेरा आज तबीयत ख़राब था, फिर भी मैंने आपके लिए रीडिंग बनाया है। सो गाइस, टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।